हेलो दोस्तों, मैं बीके से स्वागत करता हूँ आपको अपने चैनल में। प्लीज़ मेरे चैनल पर नया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। फिलहाल जो चल रहा हूँ सोहना पलवल रोड नियर आपका पड़ता है APJ सत्या यूनिवर्सिटी, हमारे लेफ्ट हैंड में जो दिख जाएगा APJ सत्या यूनिवर्सिटी यहीं पर है। और ये जो एरिया है गुड़गांव का एरिया है, गुड़गांव के अंदर ही आता है APJ सत्या यूनिवर्सिटी। और हालांकि इसके आगे जाएंगे तो हाजीपुर गांव तक गुड़गांव का एरिया लगता है, तो उसी गांव के पास से जो क्रॉस कर रहा है DND से जो आ रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के भाग, दिल्ली के DND से फरीदाबाद बल्लभगढ़ होते ही KMP इंटरचेंज पॉइंट जो खलीलपुर पे बनाया जा रहा है वहाँ से कनेक्ट हो रहा, तो वो अलाइनमेंट जो हाजीपुर गांव से क्रॉस होकर के जा रहा, तो वहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि क्या कुछ हो रखा है वहाँ पे, कितना तक काम हो चुका है, तो बने रहे वीडियो के साथ। ये जो देख रहे हैं हाजीपुर गांव के पास ही बना है सारा, जो DND से आ रहा है जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का भाग। हालांकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को बल्लभगढ़ टू जेवर एयरपोर्ट से भी जोड़ने के प्लान है, तो यहां पे ये क्रॉस करा सोहना पलवल रोड को जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे देख पा रहे होंगे। ये रहा इधर हमारे लेफ्ट हैंड में जो फरीदाबाद बल्लभगढ़ या DND से आ रहा, और इधर जाएंगे हमारे राइट हैंड में जो, तो ये खलीलपुर इंटरचेंज पॉइंट से कनेक्ट हो जाएंगे। जैसे ही आपका ये फ्लाईओवर से कनेक्ट होते हैं यहाँ से, हालांकि यहाँ पे भी इंटरचेंज पॉइंट दी जाएगी, उसमें आपको जैसे ही क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे टोल टैक्स जो है टोल टैक्स अपना दीजिए, और KMP इंटरचेंज पॉइंट से आगे जाना है और या दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे आगे जाना है तो आप आगे को जा सकते हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो बनाया जा रहा 1350 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है, और जिसमें ऐड कर दिया गया 30 किलोमीटर बल्लभगढ़ टू जेवर, और एक्सप्रेसवे जो होकर गुजरा दिल्ली हरियाणा राजस्थान मध्य प्रदेश गुजरात और महाराष्ट्र, अभी जो फिलहाल जो ऐड कर दिया गया उत्तर प्रदेश का जेवर भी। तो अभी के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।